नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको जैविक खाद की बात बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आदिवासी किसान गोबर में पानी गुड़ मिला के जैविक खाद बनाते हैं। उसकी जो फफूंद आ जाती है, फफूंद को खाद खाद के रूप में अपने खेतों में डालते हैं और भरपूर फसल देते हैं। ये जैविक खाद है, रासायनिक नहीं है। आदिवासी लोग सदियों से कर रहे हैं। इसकी जानकारी अभी आपको मेरे साथ वीडियो में मिलेगी। एक कोरबा पीजी कॉलेज की छात्रा, मिनी माता गर्ल्स कॉलेज की छात्रा चंदन दे रही। ये है मंजू कंवर, कोरबा की हैं। कोरबा में आदिवासी और ग्रामीण जन जीवामृत बनाते हैं। जीवामृत के बारे में बताएंगे। बताइए, जीवामृत कैसे बनता है और क्या काम आता है? जीवामृत एक खाद है, गोबर, जिसमें 10 किलो गोबर मिलाया जाता है और 200 लीटर पानी और 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 2 किलो छाछ को मिलाकर उसको जीवामृत बनाया जाता है और उसको धूप में नहीं सुखाते ताकि उसका फफूंद जल्दी से आए। एक हफ्ता में वो बन के रेडी हो जाता है, उसको छांव में रखा जाता है। फिर उसमें खाद्य उर्वरक को बढ़ाने के लिए उसको खेतों में डाला जाता है ताकि वो और नॉर्मल पौधों से वो अच्छा फसल उपजाऊ हो। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र, जनजाति, पिछड़ी वर्ग, जो बिरहोर, कोरवा, मंझवार, ये सब समुदाय के वहाँ लोग काम करते हैं खेतों में। कौन कौन सी फसलों में इस खाद को डालते हैं? इस फसलों को धान में डाल सकते हैं, उड़द और रहाल, जितना भी आपको जो गांव क्षेत्र में फसल मिलते हैं, जो ग्रामीण लोग करते हैं, उसमें इसको डाल सकते हैं। इससे जमीन खराब होती है कि नहीं होती? नहीं, इससे जमीन खराब नहीं होती, इससे उर्वरक बढ़ती है। और वो जो रासायनिक खाद है वो अच्छी रहती कि ये? उससे ज्यादा ये अच्छा है। इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है कि उसमें ज्यादा प्रोडक्शन होता है? खाद्य वाला रास्ता, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यहीं पर ये कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो 5 FPO चल रहा है वो नाबार्ड संस्था सिर्फ नवा पारा में ही है। हाँ, तो और बाकी लोगों का तो हमें नहीं पता है। बाकी जो हमारे क्षेत्र में करते हैं, करतला में, नवा पारा में, ये पता है। मतलब अच्छी फायदेमंद है? हाँ, फायदेमंद है। तभी तो गांव के लोग 800 लोग इसमें जुड़े हैं। जनसंख्या 800 से ज्यादा है और 13 गांव के किसान इसमें काम कर रहे हैं। बस यही खाद का, वो 13 गांव के लोग यही खाद का उपयोग करते हैं? यही खाद का उपयोग करते हैं और लोगों को भी बताते हैं। जैसे 5 FPO चल रहे हैं ना 5 गांव में, तो एक गांव में जैसे एक जगह चला तो और फैलते जाता है, वैसे हर जगह ये फैलते जा रहा है और लोगों को ये जागरूकता मिल रही है कि आप ये खाद्य को लगाएं, ये खाद बनाएं ताकि ये अच्छा उर्वरक देती है मिट्टी को। नॉर्मल मिट्टी और ये कंडा का जो लगाते हैं, उस मिट्टी में फसल का दोनों कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा कंडा वाला फायदा होता है। इस खाद का नाम क्या रखा? जीवामृत। जीवामृत क्यों नाम रखा? जीवा अमृत इसलिए रखा तो जो कि वही तो उर्वरक जो मिट्टी का रहता है, अमृत जैसा है, जीव मतलब अमृत। हाँ, फफूंद जीव और अमृत। हाँ, ये कब से बना रहे हैं लोग? इन लोग 2014 से लागू हुआ है, रजिस्टर्ड 1998 में हो गया था लेकिन 2014 से इसको संचालित किए। तो अभी सिर्फ कोरबा भर में कि कोरबा के बाहर भी बन रहा है? नहीं, कोरबा भर में ही है। कोरबा भर, चलिए ठीक है। ये जीवामृत की बात बताई, बहुत अच्छी खाद है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। गोबर मिट्टी, गोबर मिट्टी, गुड़ गुड़, बेसन बेसन और गौमूत्र गौमूत्र। हाँ, और छाछ छाछ से। हाँ, छाछ कितनी लगती है? दो किलो। एक एकड़ के लिए इतना सामान काफी? एक एकड़ के लिए कितनी गोबर चाहिए? एक एकड़ के लिए 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 200 लीटर पानी और 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़ और 2 किलो छाछ, इसको मिलाकर कंडा बनाया जाता है। कितने दिन में तैयार हो जाता है? 7 दिन में तैयार होता है। 7 दिन में हो जाता है, उसमें निकल आते हैं फफूंद, उसके बाद उसको खेत में डाल सकते हैं और एक एकड़ में के लिए इतना। अच्छा, ये इतना पूरा एक एकड़ में डाल देंगे खाद? हाँ, तो फिर फसल इससे होती रहेगी। हाँ, एक बार डालना पड़ता है कि बार बार? एक बार, चलिए एक ही बार काम।